मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार में आए बदमाशों ने एक एटीएम को निशाना बनाते हुए 2,78,000 रुपए चुरा लिए और फिर फरार हो गए। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम की है। शुक्रवार की देर रात 3 बदमाशों ने लग्जरी कार से एटीएम को निशाना बनाया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। एटीएम से लगभग 2,78,000 रुपए लूट कर वे मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि शुक्रवार रात को आईडीबीआई बैंक के एटीएम को कार में आए 3 बदमाशों ने तोड़ा और वहां रखे 2,78,000 रुपए चुरा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सदर थाना अंतर्गत बीबीगंज में आईडीबीआई बैंक से लगभग 3 लोगों ने जो एक अपनी सेडान फोर व्हीलर से आए थे, लगभग ग्रे या ब्लैक कलर की कार थी, उससे आकर के और 2,78,000 के आसपास में चोरी किया है। फिर आसपास के लोगों के द्वारा जब हल्ला किया गया तो लोग वहां से भाग निकले। साथ में 112 की गाड़ी भी पास में खड़ी हुई थी, तो जैसे हल्ला सुन करके 112 की गाड़ी पहुँची तो उन्होंने पुलिस को आता थे कि लोग वहाँ से भाग निकले। हम लोग इसमें सीसीटीवी फुटेज पे पहचान करवा रहे हैं और जिस रास्ते से वो लोग भागे हैं, जहाँ जहाँ भागे उस पर भी हम लोग टीम गठित करके कार्रवाई कर रहे हैं। हमें जल्दी उम्मीद है कि गाड़ी और जो अज्ञात अपराधी उन लोगों की पहचान हो जाएगी। कार से आए थे इसमें कुछ लोग देखे भी हैं घटना कारित करते हुए, तो जैसे ही वो लोग देखे हैं तो उनके द्वारा थोड़ा चिल्लाया गया, तो इमीडिएटली पुलिस ने फिर रेस्पॉन्ड किया। इसमें कहना मुश्किल है क्योंकि पुरानी वाली जो एटीएम वाले हुए थे उसमें ज़्यादातर मेवात गैंग रहती थी। उनमें से एक गैंग मोतिहारी में भी हाल फिलहाल में पकड़ी गई थी, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे जो घटना हुई है उसका अपराध का स्वीकार भी किया था। और ये वाली गैंग में मेवात वाली गैंग है नहीं इस वाली घटना में, कहना मुश्किल है। तो एक बार जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा तो फिर और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी।